Good morning, students. So today we will continue the chapter number 13, ways to multiply and divide. So let's start. Open your take out your textbook and open page number 173. करणिया बॉट थ्री फील्ड्स. इस आदमी का नाम है करणिया. इसने तीन फील्ड खरीदे. 1, 2, 3. करणिया हैड कैप्ट द वर्क टू प्रिपेयर थ्री गार्डन्स. उसने उसमें थ्री गार्डन्स बनाए. ओके, सो फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द थ्री गार्डन्स. अब जो थ्री गार्डन्स उसने बनाए हैं, उन तीनों गार्डन्स का क्या करना है? एरिया फाइंड करना है. देखो, ये तीन गार्डन है. एक गार्डन की लेंथ है 27 मीटर, ब्रेथ है 28 मीटर. ये वाले गार्डन की है लेंथ 36 मीटर और ब्रेथ है 12 मीटर. और इस वाले गार्डन की, तीसरे गार्डन की लेंथ है 27 मीटर और ब्रेथ है 19 मीटर. इस मेजरमेंट के उसने थ्री गार्डन्स बनाए. अब तीनों को क्या फाइंड करना है? हमें एरिया फाइंड करना है. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ स्क्वायर या रेक्टेंगल का क्या होता है? अगर स्क्वायर है तो साइड मल्टीप्लाई बाय साइड, और रेक्टेंगल है तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. लेकिन ये तीनों ही जो गार्डन है उसके, वो कैसे है? रेक्टेंगुलर शेप के है ना, क्योंकि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग है. देखो, 27, 28, 36, 12, 27, 19. तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ. तो वन बाय वन ये गार्डन ए है, ये बी और ये सी. तो गार्डन ए का क्या हो जाएगा? 27 मल्टीप्लाई बाई 28. गार्डन बी का हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाई 12. एंड थर्ड गार्डन का हो जाएगा 27 मल्टीप्लाई बाई 19. तो हम उसका एरिया फाइंड करेंगे. सी, ओके, फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड ए. तो ए का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? लेंथ मल्टीप्लाई बाई ब्रेथ. लेंथ कितनी है गार्डन की? 28. और ब्रेथ कितनी है? मल्टीप्लाई बाय 27. दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो कैसे करेंगे? देखो, 28 मल्टीप्लाई बाय 27. 27 को ब्रेक किया तो क्या हो जाएगा? 20 + 7. फर्स्ट लाइन में 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, और सेकंड लाइन में 28 को मल्टीप्लाई करेंगे 7 से. मल्टीप्लिकेशन ही हमें सीखना है, इसलिए मैं बार बार ये करके दिखा रही हूँ कि आप अच्छे से सीखो. नाउ यहाँ पर 20 में 10 है तो 10 तो आ जाएगा यहाँ पर एज इट इज. नाउ 2 8 16 16 का 6 1 कैरी, 2 2 4 4 + 1 5. नाउ 7 8 56 56 का 6, 5 कैरी, 7 2 14, 14 + 5 19. नाउ ऐड 0 + 6 6, 9 + 6 15 का 5, 1 कैरी, 5 + 1 6, 6 + 1 7. 756 स्क्वायर मीटर. देखो यहाँ पर दिया है ना, यूनिट ऑफ एरिया इज हमेशा क्या होती है? स्क्वायर मीटर. तो आंसर इज 756 स्क्वायर मीटर. नाउ एरिया ऑफ फील्ड बी. फील्ड बी की लेंथ कितनी है? 36 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितना है? 12. अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 432. ये मैंने करके रखा है, आपको सॉल्व करना है. तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? स्क्वायर फील्ड बी का जो एरिया है 432 स्क्वायर मीटर. नाउ फाइंड द एरिया ऑफ फील्ड सी. फील्ड सी का लेंथ कितना है? 27. अच्छा, यहां लिखते हैं फील्ड सी का क्या है? 27
मल्टीप्लाई बाय 19, है ना। लेंथ कितनी है 27, ब्रेथ कितनी है 19, तो 27 मल्टीप्लाई बाय 19, 19 को ब्रेक किया तो क्या हो गया 10 प्लस 9, फर्स्ट लाइन में 27 को मल्टीप्लाई किया 10 से और सेकेंड लाइन में 27 को मल्टीप्लाई किया 9 से, 10 से मल्टीप्लाई किया तो 0 आ गया एक एज इट इज। नाउ 17 जा 7, 12 जा 2, नाउ 9 से मल्टीप्लाई किया तो 97 जा 63, 3 का 63 का 3 और 6 कैरी, 92 जा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 24. अब इसको ऐड करेंगे तो 0 प्लस 3, 3, 7 प्लस 4, 11 का 1, 1 कैरी, 2 प्लस 2, 4 प्लस 1, 5. 513 स्क्वायर मीटर, 513 स्क्वायर मीटर। समझ में आया? इस तरीके से हम मल्टीप्लाई करके उनका एरिया फाइंड कर लेंगे। फॉर्मूला क्या होता है एरिया का? लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ और ब्रेथ हमको दोनों दी है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। या आप साथ के साथ अपनी टेक्स्ट बुक में करते जाना, है ना, क्योंकि इसमें मुझे बार बार रब करना पड़ता है तो स्क्रीन पर लिखा रहेगा, इसलिए मैंने आपको बार बार बोला है मेरे साथ साथ वीडियो देखते देखते आपको ये फिल करता जाना है। अब कैसे आ रहा है आंसर मैं आपको बता रही हूँ, वो समझना है। नेक्स्ट देखेंगे, ओके। सो ही बॉट फील्ड ए एट द रेट ऑफ रुपीज 95 फॉर अ स्क्वायर मीटर, फील्ड बी एट रुपीज 110 फॉर अ स्क्वायर मीटर and field C at 120 for a square meter. Find the cost of all three fields. अब उसने field A को खरीदने के लिए एक square meter की rate कितनी थी 95, तो field A की cost क्या होगी? तो field A का area कितना आया था 576, है ना, 756 आया था field A का area, तो एक square meter की cost 95 है और टोटल एरिया कितना है 756, तो 756 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या होगी मल्टीप्लाई बाय 95। समझ में आ रहा है? यहाँ पे पहले हमको क्या फाइंड करने को बोला, एरिया फाइंड करने को बोला, हमने तीनों फील्ड का एरिया फाइंड कर लिया। अब ये बोल रहे हैं कि उसने फील्ड ए को खरीदने के लिए पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट 95 थी, मतलब एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 95 थी। टोटल कितना स्क्वायर मीटर है 756, तो 756 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट क्या होगी, एक की दी हुई है 756 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट पूछी है, तो मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों को। नाउ 95 ब्रेक होगा 90 प्लस 5, नाउ इन फर्स्ट लाइन 756 मल्टीप्लाई बाय 90, इन सेकेंड लाइन 756 मल्टीप्लाई बाय 5, ओके। नाउ 90 में 10 तो एक जीरो आ जाएगा एज इट इज, अब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 6 54, 4 5 कैरी, 9 5 45, 45 प्लस 5 50, 50 का 0, 5 कैरी, 9 7 63, 63 प्लस 5 64, 65, 66, 67, 68. Now 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 30, 30 का 0, 3 कैरी, 5 5 25, 25 प्लस 3 26, 27, 28, 28 का 8, 2 कैरी, 5 7 35, 35 प्लस 2 36, 37, 37 दोनों को प्लस किया तो 0 प्लस 0 0, 8 प्लस 4 12, 12 का 2, 1 कैरी, 7 प्लस 1 8 और 8 प्लस 3 11, 6 प्लस 1 7, 71,820। तो मतलब एक की कॉस्ट कितनी आ गई, फील्ड ए की कॉस्ट, उसमें फील्ड ए कितने में पड़ा उसको 71,820 में पड़ा, ओके। नाउ सेकेंड फील्ड बी एट द कॉस्ट ऑफ रुपीज 110 पर स्क्वायर मीटर, मतलब एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है 110, और फील्ड बी का एरिया कितना आया था हमारा 432, है ना, 432,
तो मल्टीप्लाई बाय 110 कर देंगे, क्योंकि एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी है 110 रुपीज, तो 432 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, इसको हमने मल्टीप्लाई किया। ये आपको करना है, मैंने करके रखा है, इसलिए मेरा आंसर आया 47,520। नाउ सी कि फील्ड सी की कॉस्ट जो है वो 120 फॉर अ स्क्वायर मीटर, एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 120 है, और फील्ड सी का एरिया कितना आया था हमारा 513, तो 513 स्क्वायर मीटर की कॉस्ट कितनी होगी, 513 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच 120, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई करके आंसर आया 61,560। नाउ इन लास्ट फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल थ्री फील्ड्स, तीनों फील्ड की कॉस्ट फाइंड करो, तीनों को प्लस कर देंगे, 0 + 0 + 0 = 0, 6 + 2 = 8, 8 + 2 = 10, 10 = 0, 1 कैरी, ना 5 + 5 = 10, 10 + 8 = 18, 18 + 1 = 19, 9, 1 कैरी, 7 + 1 = 8, 8 + 1 = 9, 9 + 1 = 10, 10 = 0, 1 कैरी, ना 6 + 4 = 10, 10 + 7 = 17, + 1 = 18। वंस टेंस 100,000, 10,000 लाख, तो 1,80,900 इज द टोटल कॉस्ट ऑफ दीज थ्री फील्ड। तो समझ में आया, तीन फील्ड उसने खरीदे थे, तीनों का लेंथ और ब्रेथ हमें मालूम था, तो सबसे पहला क्वेश्चन था फाइंड द एरिया ऑफ ऑल द थ्री फील्ड, तीनों फील्ड का एरिया फाइंड करो, तो तीनों का मल्टीप्लाई करके फाइंड कर लिया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ करके तीनों का एरिया फाइंड कर लिया। अब उन्होंने कॉस्ट दी है पर स्क्वायर मीटर कि फील्ड ए की एक स्क्वायर मीटर की कॉस्ट 95 है, तो टोटल कॉस्ट कितनी होगी, टोटल कितना एरिया आया था 756, 756 × 95 = 71,820। ऐसे करके तीनों की फील्ड की कॉस्ट फाइंड कर ली। फिर थर्ड क्वेश्चन था फाइंड द कॉस्ट ऑफ ऑल द थ्री फील्ड्स, तीनों को प्लस कर दिया तो हमें टोटल कॉस्ट मिल गई तीनों फील्ड की। समझ में आया, चलो आगे देखेंगे। ओके, नेक्स्ट इज तुलसी एंड हर हस्बैंड वर्क ऑन करुणास फार्म। अब जो तुलसी और उसका तुलसी THU है ना इसका नाम, तो तुलसी और उसका हस्बैंड जो है वो करुणास के फार्म में काम करते हैं, मतलब जो कि करुणा जिसने एक फील्ड खरीदे थे उसके फील्ड में काम करते हैं। द गवर्नमेंट हैज सेड दैट फार्म वर्कर्स शुड बी पेड एट लीस्ट ₹71 फॉर वन डे वर्क। अब गवर्नमेंट ने कहा कि जो भी खेती में काम करते हैं उनको रोज का 71 रुपीज एटलीस्ट देना है, कम से कम जो है वो 71 रुपीज पर डे का काम करने का उनको मेहनताना देना है। बट ही पेज ₹55 टू तुलसी एंड ₹58 टू हर हस्बैंड। लेकिन जो ये करुणा है वो क्या करता है, वो तुलसी को 55 रुपीज पर डे देता है और उसके हस्बैंड को 58 रुपीज पर डे देता है। इफ तुलसी वर्क फॉर 49 डेज हाउ मच मनी डज शी गेट। अगर तुलसी ने उसके फार्म में 49 डेज तक काम किया तो उसको कितना पैसा मिलेगा, तो तुलसी के एक दिन का पैसा कितना देता है उसको, वो 55 है ना, 55 रुपीज देता है एक दिन का काम का, और उसने कितने दिन काम किया है 49, तो एक का एक दिन का 55 रुपीज, तो 49 डेज का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों को, 49 ब्रेक हो गया 40 + 9 में, फर्स्ट लाइन में 55 × 40, सेकेंड लाइन में 55 × 9। अब 40 में 10 है तो 10 आ जाएगा यहाँ पे, ना 4 × 5 = 20, 20 = 0, 2 कैरी, 4 × 5 = 20, 20 + 2 = 22। नाउ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 × 5 = 45, 45 = 5, 4 कैरी, 9 × 5 = 45, 45 + 4 = 46, 47, 48, 49. अब दोनों को ऐड करेंगे, 0 + 5 = 5, 9 + 0 = 9, 4 + 2 = 6, and 2 as it is, मतलब 2,695। तो उसको 49 डेज का
अच्छा, इस बुक में कुछ और दिए हुए रेट और आपकी टेक्स्ट बुक में कुछ और रेट दिए बेटा। इसमें 55 रुपीज दिया है, लेकिन आपकी बुक में टेक्स्ट बुक पे कितना दिया हुआ है उसमें अलग दिया है, इसलिए ये मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा। ये नेट पे बेटा पुराना सेट है ना, इसलिए इसमें अलग रेट दिया हुआ है। देखो आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है करुणा स्पेस 225, यहाँ पे है ना तुलसी की जगह, हाँ कितना है 225 तुलसी को पे करता है और 58 की जगह उसने 258 उसके हस्बैंड को पे करता है। ये बुक में पुराने टर्म्स लिखे हुए हैं, अभी चेंज हो गए हैं, ठीक है। तो तुलसी को 49 डेज से कितना मिलेगा, तो 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 49 से, उसमें खाली 55 दिया था, वो पुराना बुक का प्रिंट है। न्यू बुक में जो डिजिट है वो चेंज कर दिए है, जहां उसको कितना दिया है पुरानी बुक में 55, उस जगह पर 225 है। तो 49 ब्रेक हुआ 40 + 9 में, अब 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 40 से, और सेकेंड लाइन में 225 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, तो 10 आ गया एज इट इज। 4 5 20, 20 का 0, 2 कैरी, 4 2 8, 8 + 2 10, 10 का 0, 1 कैरी, 4 2 8, 8 + 1 9। नाउ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 5 45, 45 का 5, 4 कैरी, 9 2 18, 18 + 4 19, 20 21 22, 22 का 2, 2 कैरी, 9 2 18, 18 + 2 20। ऐड करेंगे तो 5 + 0 5, 2 + 0 2, 0 + 0 एंड 9 + 2 11, तो 11025। इसका मतलब 49 डेज के बाद तुलसी को कितना पैसा मिलेगा, 11025। इफ हर हस्बैंड वर्क्स फॉर 42 डेज, अगर उसके हस्बैंड जो है वो 42 डेज तक काम करते हैं तो उसको कितना पैसा मिलेगा, तो उसके लिए क्या करेंगे 258। उसके हस्बैंड को एक दिन का कितना मिलता है 258 मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, डेज का ना 42, 42 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसका आंसर आ जाएगा 10,800। करना आपको उस तरीके से, एक करके मैंने दिखाया, सर दूसरे का मैं डायरेक्ट आंसर लिख रही हूँ कि मैंने किया हुआ है, तो 10,836 जो है वो उसके हस्बैंड को मिलेगा। तो फाइंड द मनी दे अर्न टुगेदर, दोनों मिला के वो कितना पैसा कमाते हैं, कितना कमाएंगे, देखो 10,800 इसके हस्बैंड का है और इसका कितना है 11,025। तो 6 + 5 11 का 1, 3 + 2 5 + 1 6, 8 1 1 + 1 2, 21,861 इज द टोटल इनकम ऑफ तुलसी एंड हर हस्बैंड। ओके अंडरस्टूड, नाउ नेक्स्ट। इसलिए इसमें 55 और 58 का था, ये पुराना बुक था बेटा, है ना, आपके नए बुक के हिसाब से हम करेंगे। नए बुक में दोनों का कितना, तुलसी का 225 पर डे, एक दिन में उसको 225 रुपये मिलते हैं और उसका हस्बैंड को एक दिन में 258 रुपीज मिलते हैं, उसके बेसिस पे क्वेश्चन था, है ना। अब आगे बढ़ेंगे, ये क्या बोल रहे, ओ ही डज नॉट गिव देम द मिनिमम वेज एंड व्हाई डज ही पे लेस टू तुलसी एंड मोर टू हर हस्बैंड, डिस्कस। अब ये ठीक है, और आपकी बुक में दिया हुआ यहां पर हु विल अर्न मोर फ्रॉम तुलसी एंड हर हस्बैंड, तुलसी और उसके हस्बैंड में कौन ज्यादा कमाता है, तो तुलसी, क्योंकि तुलसी के कितने थे 11,025 रुपीज और उसके हस्बैंड के कितने थे 10,836, तो कौन ज्यादा कमा रहा है, तुलसी। और यहाँ पे आपकी बुक में दिया हुआ है इफ तुलसी वर्क्स फॉर मोर 5 डेज एंड हर हस्बैंड वर्क फॉर लेस 4 डेज, देन हाउ मच रुपीज विल दे अर्न, कि अगर तुलसी जो है 5 दिन और काम करती है, 5 डेज और काम करती है तो उसको कितना पैसा मिलेगा, तो 5 दिन का पैसा कितना होता है, तो एक दिन का पैसा कितना है 225 मल्टीप्लाई बाय 5 डेज से कितना होगा, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 5 5 25, 2 कैरी, 5 2 10 + 2 11 का 2 1 कैरी, 5 2 10 + 1 11, 1125। और टोटल कितना आया था 49 डेज का तुलसी का 11025, दिस इज द इसका 49 डेज का कॉस्ट है। तो 5 डेज उसने और काम किया तो इसको मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 115 से, मल्टीप्लाई बाय
अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई करके जो आंसर आएगा वो हो जाएगा 12,150। समझ में आया? और किसने फिर आके पूछा है कि किसने वो किया, ज्यादा कमाया, किसने जो है वो कम कमाया, किसने ज्यादा कमाया। तो 10,836 से 1,032 को माइनस कर देंगे तो आंसर आ जाएगा इतना। देखो तू, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। पुराना बुक का